वाठोड़ा परिसर के गिड्डोबंद नगर में एक व्यक्ति ने विधायक खोपड़े का ठोस दिखाकर अतिक्रमण किया था। इस अतिक्रमण को परिसर के लोगों ने एनआरटी की मदद से हटा दिया है, जिससे नाराज विधायक खोपड़े ने एनआरटी में अधिकारियों को प्रेशराइज कर परिसर में बने हनुमान मंदिर और बुद्ध विहार को तोड़ने का ऑर्डर निकलवा दिया। ऐसा आरोप पूर्व नगर सेविका महिला आयोग सदस्य आभा पांडे ने लगाया है। विधायक कृष्णा खोपड़े अपने विधानसभा का काम छोड़कर अपने पद का उपयोग कर एनआरटी के काम में दखल अंदाजी करते हैं और अधिकारियों को प्रेशराइज करते हैं, ऐसा आरोप आभा पांडे ने लगाया है। उन्होंने विधायक कृष्णा खोपड़े पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। मेरे लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखता कि किसका टूट गया। अगर वो व्यक्ति गलत करता है, कल को मैं भी अगर कोई गलत काम करूंगी तो मेरे साथ भी वही एक्शन लेनी चाहिए प्रशासन ने। लेकिन अगर प्रशासन गलत एक्शन लेता है तो फिर हम सब लोग मिलकर, हम जनसेवक और वहाँ के निवासी लोग, उसका कड़ाई से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नहीं, आप खुद ही जानते हैं ये कहने की क्या आवश्यकता है, ये आप खुद ही जानते हैं। अब ये मुझे क्या बताने की जरूरत है कि उस क्षेत्र में विधायक कौन है आप बताइए ना मुझे कौन है। मैं तो कह रही हूँ ना विधायक कृष्णा खोपड़े जी हैं। और सुन लीजिए, तई निश्चितच पूर्व नागपूरची अनेक परिसरातले लोक नागरिक माझ्याकडे येतात, अशा अनेक तक्रारी मी एकत्रित करून ठेवल्या आहेत, त्याच्यावर माझा अभ्यासही सुरू आहे। जशी जशी त्या प्रकरणांवर मला निष्कर्ष मिळेल मी तसं तसं तुम्हाला ती माहिती देईल। परंतु आपणास सांगते, हे अगदी तुम्ही सत्य म्हटलंय। बघा, हे तर मी आरोप लावत आहे म्हणजे खोटारडे आरोप करणं आमचं काम नाही आहे। आणि मी आजपर्यंत जेही काही म्हटलं आहे ते मी आधाराच्या तथ्यावरच म्हटलेलं आहे। आधार आहे म्हणूनच मी आरोप लावती आहे। नागपूर सुधारप्रन्यासमध्ये बसून खरोखरच अधिकाऱ्यांवर प्रेशर टाकला जातो। अधिकारी प्रेशरमध्ये कसे चुकीची कामं करतात हे आपण आत्ताच बघितलेलं आहे। म्हणून हे सांगण्याची काही गरज नाही, कारण आनंद फानंदमध्ये कसा नोटीस दिला ते आपण बघितलेलं आहे। आणि प्रेशरमध्ये काम करतात, एका नाल्याचं आरएल काढून टाकलं आमदाराच्या प्रेशरमुळे। अजून काय म्हणजे, प्रशासनावर एवढा दबाव आहे की प्रशासन चुकीचेही निर्णय घेण्याकरता कुठेही मागे पुढे पाहत नाही। आभा पांडे ने कृष्णा खोपड़े के विरोध में हिंदू संगठनों को और दलित समाज को सामने आकर विरोध करने का आह्वान किया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।